नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिभाव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको रिभावेंट 20 mg टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसके अपडेट अब तक पहुँचती रहेंगी। दोस्तों ये जो रिभावेंट 20 mg टैबलेट मार्केट में आती है, लुपिन कंपनी की आती है। 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। दोस्तों ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, जिसकी कीमत रहती है 217 रुपये और 50 पैसे, यानी 217 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपको आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों इसके अंदर रिवारॉक्सबैन 20 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो दोस्तों ये जो रिवाबैन 20 mg टैबलेट मार्केट में आती है, मेनली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट। दोस्तों आपके शरीर के अंदर रक्त के थक्के बनते हैं, तो उसका रोकथाम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये दवा दी जाती है। जिन किन के रक्त के अंदर थक्के बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं, उसकी रोकथाम, उसको रोकने के लिए ये दवा मेनली दी जाती है। दोस्तों ये दवा को एंटी कोकुलेंट और ब्लड थिनर दवा बोला जाता है। इट हेल्प प्रिवेंट टू ट्रीट द ब्लड क्लॉट। इट आल्सो यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। दोस्तों ये जो दवा है, मेनली अगर आपके ब्लड के अंदर कुछ क्लॉट होते हैं तो वो नहीं होने देती, इसकी वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक से आपको छुटकारा पाने के लिए, राहत पाने के लिए इसकी मदद होती है। दोस्तों ये दवा इट प्रिवेंट एंड ट्रीट द क्लॉट फॉर्मेशन इन द वेन ऑफ योर लंग्स, लेग्स, ब्रेन एंड हार्ट। शरीर के अन्य भागों में भी अगर रक्त के थक्के हो रहे हैं तो उसकी भी रोकथाम करने के लिए दवा दी जाती है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, आपको नौसिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे, रोजाना 1 गोली लेना है। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।